वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जी व्यूज़, अब हम उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सारी इनकी राय मुग़ल ख़ानदान की जितनी भी आवाम थी उनके लिए हवादार खुशादा कमरे, बहुत ही पुरसकून माहौल उस कमरों में हम खड़े हैं। उन कमरे में आप देख सकते हैं कितनी प्यारी पेंटिंग हुई है, ना ख़त्म होने वाली पेंटिंग जिसे कहते हैं। ये देखें, बिल्कुल आप सीधा भी देख सकते हैं, सारे कमरे बने हुए हैं, बिल्कुल मैं स्टेयर देख सकते हैं आप। ये सारे कमरे उनकी रहाय के लिए बनाए गए थे जहाँ पे बैठ के वो गपशप करते थे, सुकून करते थे और अपने आप को बहुत ही पुरसकून माहौल में महसूस करते थे। और ये इधर देख सकते हैं कि आप मेरे दूसरी तरफ बहुत ही प्यारा मंजर नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा मंजर। ये सामने आप देख सकते, दोबारा फिर देखें सामने आप, जी नाज़रीन, जैसे कि आपको एहसान ने बताया कि ये वो कमरे कुशादा बहुत सुकून वाले, ठंडी हवाएं हैं, ये मुसाफिर खाने भी आप कह सकते हैं जहाँ पर आराम किया करते थे। ये आप देख सकते हैं कमरों के अंदर कितने खूबसूरत वसी ठंडे कमरे हैं, बहुत बेहतरीन नज़ारा है आप देख सकते हैं। लेकिन आज की जो मौजूदा जो लोग हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये आप दीवारें देख सकते हैं जिनके ऊपर ये नंबर लिखे हैं, ये गंदी की हुई हैं दीवारें उन्होंने। ये आज के जो लोग हैं मैं उनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये चीज़ बहुत गलत है। आप यहाँ आएँ, सैर तफरी करें, मालूम लें, लेकिन ये जो दीवारों पर ये इन्होंने अपने नाम लिखे हैं, नंबर लिखे हैं, ये इंतजामिया भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, हमारा कानून भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ है कि ऐसा ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत ये दीवारें हैं, कुशादा है, ठंडीदार है, मोटी मोटी दीवारें हैं जो बहुत मजबूत है और ना ख़त्म होने वाली पेंटिंग, जैसे कि एहसान ने कहा था कि ना ख़त्म होने वाली ये पेंटिंग है। ये पेंटिंग देखिए 1566 में ये तमीर की गई थी, 1566 की ये पेंटिंग है, लेकिन ये पेंटिंग आप देखें कितनी खूबसूरत है, ना ख़त्म होने वाली ये पेंटिंग है, ना ख़त्म होने वाली। ये उस वक्त के कमरे कितने खूबसूरत बनाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बन रहा है, कितना खूबसूरत। हम तो खुद हैरान हैं ये
यहाँ पर आकर भी ठंडी हवा है। ये व्यूज ये देख सकते हैं कि आप कितना इस पे बहुत ही खालिस रंग है, जैसा कहते हैं पेंटिंग। ये देखें उतरता भी नहीं है, उस वक्त के ज़माने का ये देखें मैं मार भी रहा हूँ, उतरता भी नहीं है। बहुत ही प्यारा ये पेंटिंग की हुई इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत रंग। ये कमरों को देखकर मेरा तो दिल करता है कि मैं इधर ही अपनी रहाइश ले जाऊँ शाही किला में। इतनी इधर ठंडी हवा आ रही है, कोई एसी की ज़रूरत नहीं, कोई पंखे की ज़रूरत नहीं, बहुत ही प्यारा यह माहौल बना हुआ इस वक्त शाही किले में। ये जो मुग़ल ख़ानदान के लोग थे उनका ये रहन सहन कमरे जिसे कहते हैं, बहुत ही पुरसकून थे। इधर तो लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें सूरज की कितनी माशाल्लाह रोशनी इधर आ रही है, बहुत ही प्यारा मंजर नज़र आ रहा है। बहुत ही जी नाज़रीन, ये आप इस वक्त के 1566 के कमरे देख सकते हैं जो हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। कितने खूबसूरत वसी कमरे हैं ये, यह आप इनकी ना ख़त्म होने वाली पेंटिंग है। ये आप देखें ये व्यूज, अब हम उस जगह पे खड़े हैं, ये जो जगह आपको नज़र आ रही है उस जगह पे हम खड़े हैं जहाँ पे इनके बादशाह मुअज़्ज़म, जिसे बादशाह कहते हैं मुग़ल ख़ानदान का जलालुद्दीन अकबर, उसकी कुर्सी इधर मौजूद होती थी जहाँ बैठ के ये गप शप लगाते थे कमरे में। ये देखिए ये कमरा सारे कमरों में से बड़ा कमरा है, बहुत ही बड़ा कमरा है। उस पर बैठ के ये अपनी लोगों के साथ गप शप लगाते थे, पुरसकून माहौल बनाते थे, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते थे उस वक्त। हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन बीच किया था ताकि आपको भी दिखा सके कि हम फ़ोटो भी साथ साथ ले रहे हैं, ताकि ये एक यादगिरी होती है कि हम यादगिरी इधर बना लें और फिर जाएं इधर से हम। ये देखें जी, हमने फ़ोटो सेशन भी किया, पहले भी बताया मैंने फ़ोटो सेशन किया, हम बीच तस्वीरें भी ले रहे हैं ताकि हम अपने थंबनेल पर लगा सकें। आपको भी पता चले कि ये दो लड़कियां सिर्फ एहसान और अली जो ये हमें सारा लाइव दिखा रहे हैं। हमें भी आपसे बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखेंगे। मतलब बहुत उम्मीद है कि आप हमें अप्रिशिएट करेंगे, आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद आपके लिए इससे भी बढ़कर कोशिश करेंगे कि मज़ीद इससे भी बढ़कर आपके लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ और आपको घर बैठे ये सारे तारीखी मकामात आपको दिखा सकें। ये देखें ये सारा कमरा उस वक्त का, ये सारे कमरों में से एक बड़ा कमरा जिधर हम खड़े हैं। कोई बंदा अपने चैनल पर पहली बार आया है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यहाँ आपको इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन कंटेंट मिलेगा।